तो दोस्तों स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और दूसरा पार्ट लेके आ गया हूँ मैं अमूल घी के प्रोसेस का। और देखिए ये अब मैं किचन में आ गया हूँ और देखिए अभी भाभी जी मलाई को इकट्ठा कर रही हैं। और देखिए दोस्तों ये मलाई हमारी यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है, आप इसे देख सकते हैं। हाँ थोड़ी सी कम है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैं आगे का दिखाता हूँ दोस्तों। और ये देखिए मिक्सी को मैंने, ये एक नंबर पे है और ये दो नंबर पे, ये जो खांचे दिए हुए हैं ना इसमें ये हवा पास के लिए दिए हुए हैं ताकि आप हवा पास भी इसमें आराम से हो सके मिक्सी में, ताकि ये क्योंकि हीट ना हो। तो मलाई डालने के लिए हम तैयार हैं और देखिए हम मलाई डाल रहे हैं हम अपने, ये जार हमारा रेडी है। हम देखिए इस जार में आपको मलाई डाल रहे हैं जार में। इसमें थोड़ा गाइस थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मलाई है इसलिए हम इसे हल्का, बस थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा इसके और यहाँ पेच है ये जो हमारे, थोड़ा सा इस तरह तक ही भरेंगे, ज्यादा इसे फुल नहीं करेंगे क्योंकि ये मलाई फूल जाती है फिर ऊपर आएगी। तो हम ये अपना इसके ऊपर ये ढक्कन, इसका ढक्कन लगा रहे हैं। ये देखिए ये ऐसे ये टाइट हो जाता है, ये टाइट हो गया। और ये एक देखिए ट्रांसपेरेंट है, ये जो आपका जो इसका ढक्कन है ये ट्रांसपेरेंट है, आप अंदर की चीज भी अच्छे से देख सकते हैं। देखिए आप, अभी मैं इसे स्टार्ट करूंगा। ये देखिए गाइज आप देख सकते हैं, ये देखिए मक्खन निकल गया है और ये मक्खन निकाला जा रहा है। ये देखिए मक्खन निकल गया है, ये आपकी मलाई रखी है, अभी इसे भी करा जाएगा, ये थोड़ी दो बारी में करा जाएगा। और ये देखिए हमारा मक्खन तैयार हो गया है और इसी मक्खन को फिर हम गैस पे जला के इसे भगोनी में या आप जो भी आपके पास बर्तन हो उसमें आप इसे करें और आपका घी निकल के तैयार हो जाएगा। ये देखिए बड़ा एकदम एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम लिक्विड तो है ही, लेकिन साथ के साथ एकदम बिल्कुल बहुत चिकनाहट होती है इसमें, बहुत ज्यादा चिकनाहट है। और इसमें ये पानी इसका जो छोड़ता है ये मक्खन, देखिए इसके पीछे ये पानी आप देख सकते हैं, इसमें जार में आप पानी दिख रहा होगा आपको, ये मक्खन का जो मलाई छोड़ती है। और दोस्तों ये देखिए अब हमने ये रख दिया है और ये देखिए उबल रहा है ये घी, मक्खन उबल रहा है और ये धीरे धीरे ये देखिए पिघलता जा रहा है। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना, यही साइड में जो है इसकी जो क्या होती है, साइड में इसका जो काला कालापन जो निकलता है, गंद जिस गंदा जो पन कहते हैं ना वो निकल रहा है। तो अब देखिए फिर थोड़ी देर में मैं आपको इसे दिखाऊंगा कि घी कितनी बढ़िया बन रहा है। और अभी तो इसे टाइम लगेगा, तो लगभग कितनी देर लगेगी अभी? अभी इसे आधा आधा पौना घंटा लगेगा। तो हम अब आधे पौने घंटे बाद मिलेंगे, देखते हैं घी कहां तक पहुंचेगा। और देखो दोस्तों ये देखो ये घी निकलने लग गया है, ये देखो आप। और जो हमारा जो मक्खन जो निकल गया था ना वो देखो सारा जल चुका है। और ये देखो आप, ये सारा जो आप देख रहे हो ना ये लिक्विड, ये सारा आपका घी है। और बस अब इसे थोड़ी देर में बस और 5-10 मिनट और करके उबाल लेके इसको छान लेंगे, कितना सारा जो ये घी निकल गया है। और दोस्तों सच में बहुत ही ज्यादा एकदम, देखो ये ऊपर मैं दिखा देता हूँ, ये देखो एकदम प्योर है ये घी, एक सेकेंड, ये देखो ये है, ये एकदम प्योर घी है। तो दोस्तों आज ये बस घी की वीडियो मैंने आपको दिखा दिया, अमूल घी का प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना, और कोई पार्ट अगर इसमें आपको अच्छा लगा हो तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा मूल घी का आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।